डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्शलिंग ऑफ डेड लोकोस। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, कभी भी हमको डेड लोक को अटैच करना है किसी भी ट्रेन में, देन वी नीड फिट टू रन सर्टिफिकेट। और ये फिट टू रन सर्टिफिकेट, दिस कैन बी इशूड बाई SSC लोको, जिसको CCC भी बोलते, चीफ क्रू कंट्रोलर या SSC लोको, आर LI मीन्स लोको इंस्पेक्टर, आर पावर कंट्रोलर। डीजल लोको है तो पावर कंट्रोलर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लोको है तो TLC, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। अनदर थिंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेन एवर वी आर अटैचिंग इन पैसेंजर ट्रेन्स, देन 3 ट्रेन्स आर प्राइवेटेड टू अटैच द डेड लोको, दैट इज राजधानी, शताब्दी एंड दुरंतो। डेड लोको इज नॉट परमिटेड। ओके, सो दीज 2 पॉइंट्स वी मस्ट कीप इन माइंड। Next thing, whenever we are attaching dead loco, so normally it is a good loco. The purpose may be 2 purpose. One purpose, that is loco account movement. Loco account movement kab bolte usko? When loco is going for attending ट्रिप शेड्यूल और मेंटेनेंस अटेंड करने के लिए अपना होम शेड को जा रहा है लोको, तो उस समय उसको बोलते हैं दिस मूवमेंट इज ऑन लोको अकाउंट। और दूसरा मूवमेंट बोलते हैं लोको का ट्रैफिक अकाउंट, कि लोको एकदम अच्छा है, बैलेंसिंग ऑफ लोको, लोको अकाउंट मूवमेंट और बैलेंसिंग ऑफ लोको मीन्स सपोज सिकंदराबाद डिवीजन इज हैविंग मोर लोकोज, इलेक्ट्रिक और डीजल ज़्यादा लोकोज है, और विजयवाड़ा डिवीजन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोको की, वहाँ पे लोड ज़्यादा है, देन सम लोकोज विल बी प्लांट टू हैंड ओवर फ्रॉम सिकंदराबाद डिवीजन टू विजयवाड़ा डिवीजन। सो दैट मूवमेंट विल बी नोन एज ट्रैफिक अकाउंट मूवमेंट और बैलेंसिंग ऑफ लोको। तो डेड लोको में कोई मेजर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता है, ओनली द इंजन इज स्विच ऑफ। जैसा हमारा बाइक जा रहा है स्लोप में, हमने इंजन स्विच ऑफ कर लिया, सो देयर इज नथिंग लाइक डैमेज्ड लोको की तरह इसमें कुछ भी नहीं है। ओनली वन थिंग इज देयर, कि सपोज डेड लोको हैज गॉट सम स्पीड रिस्ट्रिक्शन, देन वी हैव टू सी if dead loco permitted speed is less than the train permitted speed, then we have to adjust the speed accordingly whichever is lower। यदि dead loco के ऊपर कोई गति प्रतिबंध है, speed restriction है, तो train की speed से वो कम है, तो हमें train adjust करके उसी speed restriction से चलाना पड़ेगा। Next important thing, when dead loco is attached next to train engine, जो आगे leading loco है और उसके just पीछे dead loco attach किया है, and brake is working condition, it is piped and working condition, then escort is not required, तो उसमें escort travel करने की आवश्यकता नहीं है। but if loco is attached in rear of the brake van, brakes are not attached, not piped, then escort is compulsory, minimum ALP, minimum एक assistant loco pilot उसमें escort के रूप में रहना चाहिए। Another restriction, as already you are knowing, it is not permitted by Rajdhani, Shatabdi and Duranto Express. For goods train, there is no restriction about the number of loco, single or multi. ओनली थिंग वी हैव टू सी द हॉलिंग प्रॉब्लम, उसका हॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो हॉलिंग कैपेसिटी देख के हम
डेड लोको सिंगल और मल्टी अटैच कर सकते हैं, बट फॉर पैसेंजर ट्रेन्स ओनली वन लोको इज परमिटेड एज ए डेड लोको एक्सेप्ट राजधानी शताब्दी एंड दुरंतो। वो मन में रख लेना, हो तीन गाड़ियों को तो छोड़ देना है। सपोज इन एक्सीजेंसीज, यदि मान लो किसी पैसेंजर ट्रेन का लोको फेल हो गया, कोई एक्सीजेंसी है, इमरजेंसी है, एंड वी हैव टू अटैच मल्टी डेड लोको और मल्टी डेड लोको अटैच करना है, देन फॉर कोचिंग ट्रेन्स वी हैव टू फॉलो द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20 kmph टू क्लियर द सेक्शन। जहाँ तक डेड लोको को लेके जाना है, जहाँ पे हम उसको निकाल सकें, रिलीफ दे सकें, वहाँ तक 20 kmph से जाना पड़ेगा इन ऑल ओवर साउथ सेंट्रल रेलवे, एक्सेप्ट वन सेक्शन। ये जो 20 kmph है कोचिंग ट्रेन के लिए, यदि मल्टी डेड लोको लगाया है तो, चाहे इलेक्ट्रिकल लोको हो चाहे डीजल लोको हो। लेकिन छूट कहाँ पर दिया है? वन रिलैक्सेशन इज गिवन बिटवीन काजीपेट एंड सिकंदराबाद सेक्शन और काजीपेट हैदराबाद सेक्शन। व्हाट इज द रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन इज गिवन ओनली फॉर डीजल लोको, डीजल मल्टी, कि काजीपेट सिकंदराबाद सेक्शन में यदि हमको डीजल मल्टी को डेड अटैच करना है तो। इलेक्ट्रिकल लोको के लिए परमिटेड नहीं है रूल, ओनली डीजल मल्टी के लिए परमिटेड है कि डीजल मल्टी डेड यदि काजीपेट सिकंदराबाद सेक्शन में कोचिंग ट्रेन में हम अटैच कर रहे हैं तो वी कैन फॉलो नॉर्मल स्पीड प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर देयर। क्या कंडीशंस है? बाकी पूरा साउथ सेंट्रल रेलवे में 20 kmph है यदि कोचिंग ट्रेन में मल्टी अटैच किया है डेड लोको। काजीपेट सिकंदराबाद डीजल मल्टी डेड है तो नॉर्मल स्पीड परमिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है? द मल्टी डेड मस्ट बी अटैच नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन, ब्रेक शुड बी वर्किंग कंडीशन, लेंथ ऑफ द ट्रेन शुड नॉट एक्सीड मोर देन परमिटेड लेंथ इन द सेक्शन। जिस सेक्शन में हमने डेड मल्टी अटैच किया है, मीन्स काजीपेट सिकंदराबाद सेक्शन में, मैक्सिमम सपोज 24 कोचेस परमिटेड है, सो मल्टी डेड अटैच करने के बाद विद इन 24 कोच ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेंथ इंक्रीज नहीं होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फॉलो नॉर्मल स्पीड दैट इज फॉर डीजल मल्टी लोको। अनदर सम प्रिकॉशन दैट वेन एवर डीजल और इलेक्ट्रिक डेड लोको अटैच टू एनी ट्रेन, लोको पायलट मस्ट बी गिवन कॉशन ऑर्डर। सो थ्रू कॉशन ऑर्डर इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द लोको पायलट एंड गार्ड, यस दिस डेड लोको इज अटैच्ड इन द फॉर्मेशन, एंड लोको पायलट ही विल स्टॉप फर्स्ट एट 500 meters। 500 meters में ट्रेन रोक के चेक करना डेड लोको का कंडीशन क्या है, एनी हीटिंग प्रॉब्लम, एनी थिंग इज देयर। Then after that, wherever stoppage is there, the dead loco should be checked for any unusual problem. Okay, so I think you have understood about the marshalling of the dead loco. In case of any doubt, please ask your questions in the comment box. And please like the video, subscribe the channel if not subscribed, and share with your friends. Thank you so much for watching.